यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं सिद्रा सती। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल 113 रुपये, डीज़ल 127 रुपये, जबकि सीएनजी जो है उसकी कीमतों का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दो रीजन्स डिफाइन किए गए हैं, रीजन वन और रीजन टू। रीजन वन के अंदर केपी के बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हैं जिनकी जिनमें सीएनजी कीमतों को 124 रुपये, जबकि रीजन टू में जो कि सिंध और पंजाब को इंक्लूड करता है उसमें 169 रुपये जो है वो सीएनजी की कीमतें जो हैं वो मुतय्यन की गई हैं। अभी नोटिफिकेशन दिया गया है जिस हवाले से हम बात करेंगे, अभी तक इस कीमतों का नफाज नहीं किया जा सका। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे वो इस इजाफे को किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? राजा कामरान। मैडम, राजा कामरान साहब, ये बताइएगा जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गवर्नमेंट की तरफ से जो इजाफा किया गया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं मैडम जी, देख कर। इसलिए अचानक एकदम महंगाई का जोर हो गया, हर चीज़ पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई, टैक्स लग गए हैं, बहुत मुश्किल का सामना है। बस देखें आगे क्या बन रहा है, हुकूमत चला रहे हैं इमरान खान, इसके हवाले से वो क्या कर रहे हैं, गरीब पे किस तरह उन्होंने जो है ना कमी का सामना करना है अभी। अच्छा, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये जो वक्ती तौर पर तकलीफ़ देखनी पड़ी है ये आगे जाके आवाम के लिए बहुत बेहतरी होगी, तो क्या जो इतनी महंगाई की जा रही है इसके बाद जो आपके लिए कह रहे हैं हुकूमत सब्र का आपको फल मिलेगा, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? मैडम देख लें, जो हमें निकलना चाहिए रोडों पर, इसलिए तैयारी तो इसलिए नहीं कर रहे, हमने कहा नेक्स्ट जो 70 साल से हुकूमत देख रहे चल रही है तो इनको भी देखना चाहिए 1-2 साल ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो कुछ होगा अल्लाह बेहतर करेगा, हुकूमत के साथ ही अभी। क्या नाम है आपका? लाजर भट्टी। लाजर भट्टी, ये बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो हुकूमत ने इजाफा कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? जी मैम, ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है, क्योंकि हर बंदा गरीब बंदा तो इसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो गया, कोई गाड़ी ले ले तो वो सीएनजी कहाँ से डलवाए या पेट्रोल कहाँ से डलवाए। हालिया जो सीएनजी की कीमतों में इजाफे की बात की गई है रीजन वन और रीजन टू में जो है वो 123 से 128 रुपये इजाफा किया जा रहा है, इस हवाले से बताएं कि क्या समझते हैं? पहले लोग सीएनजी पे गाड़ी कन्वर्ट करवा लेते थे, उनको लगता था कि वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, मगर वो बिल्कुल पेट्रोल की रेट पर जा रही है, तो क्या मतलब आपको लगता है कि पेट्रोल वाला ही ठीक है हिसाब किताब या आप सीएनजी? पेट्रोल वाला ठीक है। हाँ, मतलब सीएनजी के बजाय फिर आप गाड़ी को पेट्रोल पे ही चलाएंगे? तो फिर बंद कर देंगे या फिर वो तो मजबूरी है जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि क्या करे बंदा। अच्छा, लेकिन हुकूमत की जानब से जो इकदाम किया जा रहा है ये थोड़ी महंगाई की जा रही है, हुकूमत का दावा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, थोड़ी सी महंगाई है लेकिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता, ये सवाल ही पैदा, हर बंदा पिसता ही जा रहा है, हर बंदा पिसता ही जा रहा है, अब ये गरीब बंदे के लिए ऐसा है, अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं है, समझे ये नहीं। क्या नाम है आप? गुलबारों से। बताइएगा कि अभी हालिया जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात की गई है हम गवर्नमेंट की जानिब से, पेट्रोल मतलब डीजल तो बढ़ा दिया गया है और सीएनजी की भी बात की जा रही है रीजन वन और रीजन टू में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट लगाया जाएगा उन पे कीमतों पे, तो कैसे देख रहे हैं आप? ये बात है, पेट्रोल तो चलो महंगा हो गया है, वो तो आलमी मंडी में होता है जैसे भी है, तो ये सीएनजी की कीमतों में वैसे यहाँ पर होनी चाहिए जो बरकरार रहनी चाहिए इसी तरह। यहाँ तो एलएनजी जो है वो दस्तयाब है, एलएनजी भी 3 रुपये महंगी हुई है, एलएनजी का ताल्लुक जो है वो डॉलर से होता है, तो डॉलर जैसे जैसे ऊपर जाएगा एलएनजी भी जो है वो महंगी होती जाएगी, तो ये बताइएगा कि जैसे कि आपको पता है कि सीएनजी की कीमत ऑलमोस्ट जो है वो पेट्रोल की कीमत तक पहुँच गई है, तो क्या आप सीएनजी को ही यूज़ करेंगे या फिर आप पेट्रोल की तरफ चले जाएँगे? सीएनजी यूज़ करेंगे। लेकिन सीएनजी के गाड़ी के नुकसान भी तो होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं, इंजन के में फ़र्क पड़ता है, इंजन में फर्क पड़ता है। आप नहीं समझते कि पेट्रोल फिर भी सीएनजी से कम ही जा रहा है?
क्या चीज़? पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो हैं वो तो बरकरार ही हैं, मतलब बढ़ाई गई, लेकिन अभी कुछ अर्से से मेंटेन जा रही है, हर महीने इजाफा किया जाता है। तो आप सीएनजी को ही यूज़ करेंगे या फिर पेट्रोल की तरफ जाएंगे? सीएनजी यूज़ करेंगे। क्या नाम है आपका? इकराम नाम है, इकराम हुसैन। इकराम, ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, अभी सीएनजी की कीमत बढ़ाने की भी बात की जा रही है रीजन वन और रीजन टू में। इस्लामाबाद चौके रीजन वन में आ रहा है, तो यहाँ पे एलएनजी भी दस्तयाब है और नॉर्मल जो सीएनजी वो भी दस्तयाब है, तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखें, पेट्रोल की बात अगर करें तो पेट्रोल अगर महंगा किया था खान साहब ने तो वो तो चलो एक, लेकिन सीएनजी नहीं महंगी करनी चाहिए, इसलिए ना कि गरीब बंदा सीएनजी यूज़ करता है और सीएनजी बहुत महंगी कर दी खान साहब ने, और अभी और भी बात हो रही है महंगी करने के लिए, तो ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि गरीब बंदे जो है वो सीएनजी यूज़ करते हैं ना, ये जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह हो गए, क्रीम उबर वाले हो गए, ये सारे सीएनजी यूज़ करते हैं, तो सीएनजी नहीं महंगी करनी चाहिए थी। सो इससे इस पे इस वजह से गरीब पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन इमरान खान का ये भी कहना है कि जो वो महंगाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं वो अवाम की बका के लिए कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम की बका के लिए ही बात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इमरान खान जो कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ें महंगी करनी चाहिए ना जिनसे गरीब पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, अमीर पे बेशक वो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों पे मतलब ध्यान रखना चाहिए कि गरीब पे कोई फ़र्क ना पड़े। आप नहीं समझते कि डॉलर ऊपर जा रहा है इसी वजह से जो है वो तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन पेट्रोल और इन चीज़ों का डायरेक्ट जो असर होता है वो पड़ता है, क्या कहते हैं, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों पर? जी जी बिल्कुल, वो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों पे पड़ता है इसका फ़र्क, और डॉलर ऊपर जा रहा है या डॉलर नीचे जा रहा है इस पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखे महंगाई नहीं करनी चाहिए, महंगाई करे देखे ऐसी चीज़ों में करे ना जिस पे गरीब पे कोई फ़र्क ना पड़े। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर लोगों से बात की और लोगों का यही कहना था कि इमरान खान को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों में इजाफा बिल्कुल ना करें जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो गरीब आवाम से है। पेट्रोलियम मसनूआत ने सीएनजी जो है वो रोज़ाना के इस्तेमाल में होती है, इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर घरेलू इस्तेमाल से लेकर ये आपकी गाड़ियों और हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें इजाफा करके वो डायरेक्ट जो है वो हुकूमत जो है वो गरीब आवाम पर असर डाल रही है। उनका कहना है कि थोड़ा सा महंगाई को कम करें ताकि आवाम जो है वो गुजारा कर सके, क्योंकि हर चीज़ों की कीमत वहीं पर वहीं की वहीं है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, इजाफा हो रहा है तो रोज़मर्रा की चीज़ों में इजाफा हो रहा है जिससे आवाम सख्त परेशान हो चुके हैं, और अब आवाम की हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है। इसी के साथ मैं सिद्रा सत्ती इनसाइट से चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you.